पुरे विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सापापार के ग्रामीणों द्वारा लगभग विगत 5 दिनों से हो रही पेयजल की समस्या को लेकर सड़क पर चक्का जाम करके बैठ गए, जो कि लगभग आधा घंटे तक सड़क जाम करके बैठे रहे, जिससे दोनों ओर आने जाने वाले वाहनों की कतार लग गई, जिसके कारण लोग परेशान होते रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से यहां पेयजल व्यवस्था को लेकर ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं, लेकिन विगत 5 दिनों से पूर्ण रूप से पानी की सप्लाई बंद है। ग्राम में उचित मात्रा में हैंडपंप न होने के कारण सभी लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। निसार के लिए तो खुले कुओं का पानी उपयोग कर लिया जाता है, किंतु पीने के पानी की समस्या गंभीर बन चुकी है। पंचायत कर्मी और प्रशासन को जल्द इस समस्या का संज्ञान में लेकर संबंधित क्षेत्र में नए बोर या फिर हैंडपंप खनन करवाना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को हो रही पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल सके। वहीं जाम की सूचना पाते ही तत्काल बागलपार पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा टीम के साथ पहुंचकर चक्का जाम कर रहे ग्रामीणों को समझाइश दी गई और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके आश्वासन दिया, जल्द आप लोगों के लिए टैंकर से पानी सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तब कहीं जाकर ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम समाप्त किया और यातायात व्यवस्था सुचारू की। उद्घोष समय के लिए सिवनी से विशेष संवाददाता आज्ञा कर रही थी।